हाई गाइल्स वेलकम बैक टू माई चैनल दिस इज जेना बली फ्रॉम जेना कुक हाउस तो मैं आज आपको कौन सी बिरयानी बताऊंगी आर यू कन्फ्यूज वाई सीन दिस तो ओके सो मैं आज आपको बताऊँगी चिकन टिक्का बिरयानी जो घर पे आपके बचे हुए टिक्के होते हैं ना लेफ़्ट ओवर टिक्का और उससे आप किस तरीके से बिरयानी बना सकते हैं तो मैं आज आपको उसकी मेकिंग बताऊँगी एंड आई एम श्योर आपको ये मेकिंग जो है वो बहुत बहुत बहुत, बहुत पसंद आएगी तो बहुत सारे व्यूवर्स ने कहा था कि एक ऐसी बिरयानी बताए जो झटपट से रेडी हो जाए और टेस्ट में बहुत ही शानदार रहे तो पूरे चैनल पे और इनफैक्ट पूरे मुंबई में इससे शॉर्टकट वाली जो बिरयानी है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी तो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस तो पहले आपको एक पैन ले लेना है ठीक है उसमें टमेटो का प्यूरी डाल दीजिए टमेटो प्यूरी डालने के बाद आप इसके अंदर डालें कोकोनट का पाउडर जो नारियल का बुरादा होता है ना सूखा आपको रेडीमेड मिलता है बट मेक श्योर करें कि वो स्टेल ना हो ठीक है वो बासी ना हो उससे क्या होता है कि बहुत ख़राब स्मेल आता है इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर ठीक है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर और यह है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर तो अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल मिर्ची पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं यह है हल्दी पाउडर ठीक है सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालें और चेक कर लीजिए यह जो है यह है अदरक का पेस्ट तो अदरक और लसन दोनों जाता है बट लहसन बाद में जाएगा ये है शेजवान मिक्स चटनी सर्वर का ब्रांड यूज कर ले या फिर आप चिंग्स का यूज कर सकते हैं दोनों ही अच्छे हैं ये वाला जो है ये तंदूरी मसाला है तंदूरी पाउडर चिकन तंदूरी पाउडर तो वो आप डाल दीजिए शान का यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई भी अवेलेबल है वो यूज़ कर लो ये है देगी मिर्च पाउडर तो इसमें कलर नहीं होता है बट इसका टेस्ट बहुत तीखा होता है और फ्लेवर भी अच्छा रहता है इसका उसके बाद जाएगा टमाटो सॉस तो टमेटो सॉस जो है वो आप मैगी का यूज़ कर ले या फिर कोई भी ब्रांड का जो अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं यह है, है रेड चिली सॉस तो ये सब में नमक होता है सब सॉसेस सौ, सौ, जो होते हैं ना उसमें नमक होते हैं तो नमक आप श्योर sure करें कि एहतियात से डालें वरना बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा अब यहाँ पे जो है वो टिक्का पहले से ही बना हुआ था तो बट उसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए वापस एक बार बाबिक्यू कर लीजिए तो टिक्का जो है अगर आपको स्क्रैच से देखना है तो बहुत सारे बिरयानी की जो मेकिंग है वो अपलोड है जैनब को खा उस चैनल पर तो आप वहाँ पर जाके स्क्रैच से देख सकते हैं कि टिक्का कैसे बनाया जाता है ठीक है या फिर आपके पास लेफ्ट ओवर टिक्का है तो आप उसे भी यूज़ कर लीजिए यहाँ पे आपको बिरयानी का जो मसाला है वो भूनना है तो पहले आप इसमें घी डाल दीजिए उसके बाद जो खड़े गरम मसाले हैं वो डाल दीजिए जैसे लौंग दालचीनी काली मिरी थोड़ा सा तेज़ पत्ता और बस यही सब थोड़ा शाह जीरा यही सब जो मिक्स खड़े गरम मसाले हैं वो एक फ़्लेवर देते हैं घी में उसका फ्लेवर भी अच्छा रहता है तो पहले अदरक का पेस्ट डाला था अब गया लहसन का पेस्ट तो इसमें ओनियन वगैरह नहीं जाता है पेस्ट या फिर स्लाइस वगैरह नहीं जाता है ब्रिजता जाता है बट वो आगे जाएगा अब इसको आपको भून लेना है आपको इतना भून लेना है कि जो लहसन का कच्चापन या फिर स्मेल जो होती है वो चले जाए बट आपको इतना भी नहीं भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए कलर चेंज नहीं करना है आपको तो वो मेक श्योर करें और कभी भी जब आप लसन भूनें तो स्लो फ्लेम पे भूनें अब जो मसाला हमने बनाया था वो आपको डाल देना है ठीक है तो अच्छे से भूनें इसमें ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी गया था बट वो मैं भूल गई आपको बता रहा तो मेक श्योर करें कि ग्रीन चिल्ली का पेस्ट भी डाल दें तो आप अपने हिसाब से डालें जैसा आपको पसंद है तीखा बट ये बिरयानी जो है वो तीखी अच्छी लगती है और पुलाव जो है वो थोड़ा माइल्ड अच्छा लगता है अब आपको इसे भून लेना है इतना भूनना है कि इसमें से तेल छूट ना जाए बहुत ही सिंपल बिरयानी है बहुत ही सिंपल यहाँ पे कलर गया है तो वो आप स्किप कर सकते हैं ये एक आइडिया है कि आपको घर पे कैसे बनाना है आ, अभी एक किलो दो किलो ये सब का हिसाब तो बताना बहुत मुश्किल है ये ऑलमोस्ट बन रहा है ट्वेंटी के जीज़ का बिरयानी ठीक है तो ये आप मसाला देख सकते हैं कि किस्सा कितना मसाला जाता है अब ये जो है पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है तेल ऊपर आ गया है जो घी था अब इसमें डालेंगे चिकन टिक्का हाँ और बहुत सारा अमूल बटर तो अमूल बटर को चीज़ डालने से ना सभी चीज़ में फ़्लेवर अच्छा आता है टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल तो शायद मैं आपको बराबर बता नहीं पा रही हूँ तो आप वीडियो जो है वो प्रॉपरली देखें अब गया इसके अंदर दही तो जब भी आप दही डालो तो हमेशा आ, स्लो फ्लेम पे डालना और फ्रेश यूज करना बहुत सारा धनिया और ब्रिस्ता अब ये डाल के आपको इसे मिक्स कर लेना है तो ब्रिस्ता जो है वो मार्केट में रेडिली अवेलेबल है बहुत अच्छे क्वालिटी के भी होते हैं आई गेस 200 हंड्रेड टू टू फिफ्टी रुपीज़ किलो मिलते हैं प्रॉफिट में आपको हर चीज़ मिल जाएगी अगर आपको ब्रिस्ता वग़ैरह बनाना नहीं आता है तो तो वो डाल दीजिए सब मिक्स कर लिया आपने और इसको आपको अच्छे से भूनना है भूनना इज़ अ वेरी बिग स्टेप क्योंकि बहुत सारे लोग भूनते नहीं है कच्चा छोड़ देते हैं तो इतना भूनना है कि इसमें से तेल बाहर आ जाए अब आपको डालना है इसमें पटेटोस तो पटेटोज को पहले फ्राई कर लिया था तो आप कलर भी डाल के कर सकते हैं या फिर आप सिंपल पटेटो फ्राई कर लीजिए बट पूरा नहीं आपको फ्राई करना है ट्वेंटी थर्टी परसेंट फ्राई करना है ताकि उस पर एक क्रस्ट आ जाए अब गया इसके अंदर अमूल घी ठीक है तो घी बटर और ये सब में अगर आप चीज़ें बनाते हो तो वो वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होती है इसे केटर किया था राजधानी ने एंड राजधानी केटरिंग मेक श्योर sure कि उनका जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अप टू डेट रहे एक बार अगर आप खाओगे तो वो मेक श्योर sure करे करते हैं कि वो आप उनके पास ही जाए अब यहाँ पर है अंडे तो अंडे को भी पहले फ्राई कर लिया है और उसको गार्निश कर दिया है ग्रेवी के ऊपर तो बिरयानी का जो राइस है वो तो वही है स्टैंडर्ड राइस कैसे बनाया जाता है अब इसमें एक स्मोकी फ्लेवर दिया जाएगा जैसे कि ये चिकन टिक्का बिरयानी है तो जो नॉर्मल स्मोक है वही है प्रोसेस उसका बिरयानी राइस में जब आप खड़े गरम मसाले डालते हो तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है अगर आपको खाली बिरयानी राइस की मेकिंग देखनी है तो वो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इसे में देखना है तो उसका प्रोसेस जो है आप स्टेप बाय स्टेप देख लेना इसके अंदर गया है रोज़ वाटर सॉल्ट कड़े गरम मसाले और बहुत सारे पानी में राइस को उबाला जाएगा तो राइस को हमेशा आपको सेवेंटी परसेंट कुक करना है ज़्यादा कुक नहीं करना है वरना आपका राइस बिरयानी में जो है वो टूट जाएगा और नीचे का जो राइस होता है वो खिचड़ी बन जाएगा तो जब आपका फ़र्स्ट ये जो है फ़िफ्टी परसेंट कुक हो उसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो सेवेंटी परसेंट कुक हो ये देखना है बट अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप सेवेंटी परसेंट पूरा राइस को कुक कर लीजिए अब आपको उसको दम देना है राइस को बिछाकर जब आपका राइस रेडी हो जाए तो आपको उसको गार्निश कर लेना है तो गार्निशिंग वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे कैशो एलमड्स या फिर कलर के साथ या फिर केसर वाटर के साथ या फिर केसर दूध के साथ तो जैसे भी आपको पसंद है आप वैसा कर सकते हैं ठीक है ठीके? और मेक श्योर sure करें कि आपका एक एक दाना खिला हुआ हो तो ये हो गई हमारी चिकन टिक्का बिरयानी रेडी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो गाइस तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट करें और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट मेकिंग के साथ टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़